हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अनुज और माया दोनों ही मुंबई शहर में रहते हैं और दोनों ने एक बड़ी सी फेसिंग इमारत में अपना फ्लैट ले रखा होता है। उनकी लाइफस्टाइल एकदम पॉश होती है। दोनों ही काम करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं। अनुज की माँ प्रकाशी गांव में रहती है और एक दिन जब अनुज को पता चलता है कि प्रकाशी की तबीयत खराब हो गई है तो वो फौरन उसे लाने गांव चला जाता है। माँ, माँ, आप ठीक तो है ना? सॉरी आने में थोड़ी सी देर कर दी मैंने, लेकिन अब बस ये गांव की खेती और जमीन को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इस वक्त आप मेरे साथ गांव चल रही हो और मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अनुज बेटा, वहाँ शहर में तू और तेरी बीवी यानी माया बहू, तुम दोनों के साथ मैं कैसे आऊँ? कैसी बातें कर रही हो माँ आप? आप कोई मेहमान थोड़ी हो। अरे आपका ही घर है वो, आप मेरे जीवन की मालकिन हो। चलो अब मुझे और कोई आना गानी नहीं चाहिए। अनुज प्रकाशी को लेकर गांव से शहर आ जाता है और सास प्रकाशी को देखकर माया बहू के होश ही उड़ जाते हैं। मम्मी जी, आप? हाँ मैं ही माया बहू, मैं हूँ। सुबह के 10 बजे ही तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज गए मेरी शक्ल देखकर? अब से मैं यही रहूंगी तुम दोनों के साथ और तुम दोनों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अब दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी मुझे या हटेगी भी, अंदर आने का रास्ता दे मेरी माँ। यस यस, प्लीज कम, आइए ना। प्रकाशी घर में घुसते ही पूरे घर को निहारने लगती है और ये सब देखकर माया को अनुज पर बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं कौन से कीड़े ने काट लिया मेरी इस पागल पति को, जो ये इस आफत को लेकर घर आ गया है। ये तेल की बदबू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये चमेली का तेल है, जरूर इस बुढ़िया ने ही लगाया होगा। ओह माय गॉड, ये तो किचन रूम में गई है, कहीं कोई कांड ना कर दे वहां। डर के मारे माया फौरन किचन में जाकर देखती है कि सास प्रकाशी फ्रिज को खोलकर उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही है और फ्रिज में अपने पैर के कदम आगे बढ़ाने वाली थी। मम्मी जी, अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये आप क्या कर रही हैं? ये फ्रिज है, इसमें सामान रखा जाता है ठंडा होने के लिए। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई अरे बर्फीली मशीन होगी इसीलिए। प्रकाशी शहर के मॉडर्न तौर तरीकों से अनजान थी और उसे हर एक नई चीज देखकर कुछ समझ नहीं आता, जिसके कारण वो कोई ना कोई रायता फैलाए जा रही होती है और माया बहू उसके कारण और भी परेशान होती है। एक सुबह प्रकाशी फ्लैट के गेट पर एक गाय और भैंस लाती है और दोनों को दरवाजे से बांध देती है। ये देखकर माया और अनुज हैरान रह जाते हैं। माँ, आपने ये गाय और भैंस यहाँ क्यों बांधे हैं? वो दरअसल मैंने सोचा कि कब तक तुम लोग जाकर वही पन्नी वाला दूध खरीद कर लाओगे, इससे अच्छा मैं खुद ही गाय और भैंस को उठा लाई। ये सुनकर अनुज और माया अपना सर पकड़ लेते हैं। मम्मी जी, दिस इज टू मच। हाँ, चम्मच? अरे चम्मच तो रसोई में रखा है बहू। ओह गॉड, आप ना सीरियसली हेडेक हो हेडेक। ये एक पॉश और लग्जूरियस अपार्टमेंट है, इसे गांव का आंगन या तबेला मत बनाओ। और अभी के अभी इन दोनों गाय भैंस को ना जहां से लाया था प्लीज वहीं छोड़ाओ प्लीज। प्रकाशी गाय और भैंस को फिर से छोड़ाती है। फिर अगले दिन, चलो मेरा प्रेजेंटेशन फाइल तो बन गया है, रात भर जाकर मैंने कड़ी मेहनत की है, अगर ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट को पसंद आ गया ना तो मेरा प्रमोशन तो फिक्स है। आई होप ऐसा ही हो। क्विकली नहा लेती हूँ। माया लैपटॉप को बेड पर छोड़ देती है और फिर वहां से चली जाती है और फिर प्रकाशी वहां पर आकर धोने के लिए कपड़े इकट्ठा कर लेती है। सारे कपड़े तो ले लिए धोने के लिए, लेकिन ये लैपटॉप, इस पर तो कितनी सारी धूल मिट्टी लगी है, अब मुझे लगता है कि इसे भी साफ करना होगा, इसे भी धो देती हूँ। प्रकाशी उस लैपटॉप को लेकर जाती है और उसे साबुन से घिस घिस कर धोती है और सुखाने के लिए टांगती है।
और जब माया अपने लैपटॉप को रस्सी पर सुखाया हुआ देखती है तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर से चिल्ला पड़ती है, नहीं, ओह माय गॉड, ये आपने क्या कर दिया मम्मी जी, अरे ये मेरा लैपटॉप था, ओह नो, इसे कैसे धो दिया आपने, ओह गॉड, आज मेरा प्रेजेंटेशन है, रात भर जाग कर इतनी मेहनत से मैंने उस पीपीटी को बनाया था, मेरा लैपटॉप, बेवकूफ, गवार, अनपढ़, धोबी औरत, रत्ती भर की भी अकल नहीं अपने आप में। मुझे माफ कर दे माया बहू, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, सारी बहू, बस सारी। ओह प्लीज शट अप नाउ, वरना आपकी ये घटिया इंग्लिश सुनकर ना मेरे कानों से खून निकल जाएगा। माया प्रकाशी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और जब उसकी फ्रेंड्स अगले दिन घर पर आती हैं तभी, अरे माया, ये ओल्ड वुमन कौन है, तेरी कोई रिलेटिव है, कहीं तेरी सास तो नहीं, हैव यू लॉस्ट टीना, ऐसे गवार गांव की औरत मेरी सास कैसे हो सकती है, ये मेरे घर की काम वाली बाई है। ओ मैडम चलो सबको नाश्ता दो और गर्मा गर्म चाय लाओ, अनपढ़ इडियट औरत। इन काम वाली बाइयों के साथ ना ऐसे ही पेश आना चाहिए, वरना सर पर बैठ जाते हैं। प्रकाशी रसोई में जाकर फूट फूट कर रोती है, उसे अपना अपमान सुनकर बहुत बुरा लगता है। माया अब आए दिन प्रकाशी को अपमानित करती रहती है। एक दिन माया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तभी अनुज अपनी नाइट शिफ्ट के लिए गया होता है। मेरा बदन तप रहा है, कोई है? तभी प्रकाशी आकर माया के सर पर ठंडी पट्टी रखती है और उसके लिए काढ़ा भी बनाती है और उसे अपने हाथों से दवा खिलाती है और रात भर जाकर उसकी देख रेख करती रहती है। अपने गांव की गवार सास का ये रूप देखकर माया की आंखें भर आती हैं और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अनुज, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मुझे मम्मी जी को सॉरी बोलना होगा, मैं बहुत बुरी हूँ। रुको माया, अभी सॉरी मत बोलो। लेकिन क्यों अनुज? कल माँ का जन्मदिन है, माँ ने अपनी लाइफ में कभी कोई जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया, तुम उन्हें कल उनके जन्मदिन पर सरप्राइज दे देना। वाओ, ये तो बहुत ही ग्रेट न्यूज है, मैं मम्मी जी के लिए इतनी शानदार बर्थडे पार्टी अरेंज करूंगी कि सबके सब देखते रह जाएंगे। माया बहुत मेहनत करती है और पूरे घर को एकदम राजसी अंदाज से सजाती है और अपनी सास प्रकाशी के लिए एक बहुत बड़ा केक भी मंगवाती है और एकदम सॉलिड और रॉयल पार्टी अरेंज करती है। वो प्रकाशी के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सबके सामने लाती है और उसकी पट्टी उतार देती है। प्रकाशी अपने जन्मदिन का डेकोरेशन और केक देखकर भावुक हो जाती है। मैं आज आपसे सबके सामने माफी मांगना चाहती हूँ मम्मी जी, मैं बहुत बुरी बहू हूँ, मैंने आपको गांव की गवार समझा, लेकिन आपके दिल और आपकी ममता ने मुझे सच का आईना दिखा ही दिया। आई लव यू मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, वही अपने आप में एक सुंदर बात है, मैंने अपने जीवन में कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया, धन्यवाद अपनी गरीब सास का जन्मदिन मनाने के लिए, आज मेरी बच्ची आ जा गले तो लग जा। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगती हैं और भावुक हो जाती हैं, जिसके बाद प्रकाशी अपना केक कट करती है और सभी धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाते हैं। प्रेमलाल और मृणालिनी दोनों की चार बेटियां होती हैं। मृणालिनी फिर से गर्भवती होती है। प्रेमलाल, उसकी माँ बरखा और पिता गोपीचंद को अब इस बार एक बेटे की आशा होती है। डिलीवरी का समय आता है और प्रेमलाल, बरखा और चार बेटियां गोपीचंद बेसब्री से अस्पताल के कमरे के बाहर खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं कि तभी उन बच्चों के रोने की आवाज आती है और डॉक्टर बाहर कहते हैं, बधाई हो, आपको एक बेटी हुई है। हाय राम, पहले ही चार पनौती कम थी, जो एक और पनौती को जन्म दे दिया इसको लक्ष्मी ने। अब तो कोई आस न बची बेटे की, हमारे खानदान का वारिस इस जन्म में नहीं आएगा, अरे हमारे तो भागे फूटे हैं। जब प्रेमलाल हॉस्पिटल रूम के अंदर जाकर मृणालिनी को मिलता है तब, देखिए ना जी कैसी है हमारी फूल सी बच्ची, इसकी चारों बहनों को भी बुलाइए ना, और वो भी तो देखें अपनी छोटी सी नन्ही सी बहन को।
नहीं, अब एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। तुम्हारा सामान मैं यहाँ भी दूंगा और सामान के साथ तुम्हारी चारों बेटियों को भी भेजूंगा। अब तुम और तुम्हारी पांचों बेटियां, तुम्हें सलाम, मुझसे ज्यादा बहुत दूर चली जाओ। प्रेमलाल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रेमलाल जी, प्रेमलाल जी। प्रेमलाल वहां से चला जाता है। डिस्चार्ज मिलने पर प्रेमलाल मृणालिनी का सारा सामान और उसकी चारों बेटियों को घर से बाहर निकालता है। और अब मृणालिनी अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए और बाकी चार बेटियों को यहाँ वहाँ लेकर दर दर भटकती है। चारों बेटियों के नाम रीना, पंखुड़ी, दिव्या और प्रीति होते हैं। माँ, अब हम और कितना चलेंगे? काश हमारी नानी होती, हम उनके घर जाकर रुकते फिर, है ना? हिम्मत रखो मेरी बेटी, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मृणालिनी अपनी बेटी को गांव के बस स्टैंड पे ले जाती है और बस में बैठाकर वो मुंबई आ जाती है। भाई साहब, ये कौन सी जगह है, कौन सा शहर है? बहन जी, ये है सपनों का शहर मुंबई। क्या मुंबई? मुंबई शहर में मैं अपनी पांचों बेटियों संग क्या करूंगी? मृणालिनी का कोई रिश्तेदार नहीं होता। वो गलत बस में बैठ जाती है और ना चाहते हुए भी सपनों के शहर मुंबई में पहुंच जाती है। अब वो मुंबई में सबसे पहले एक मंदिर में जाकर रहती है और तीसरी सुबह श्रीमती नाम की एक औरत मृणालिनी को देख कहती है, ओ बहन, मैं तुझे पिछले 2 दिन से देख रही हूँ। तू अपनी पांचों बेटियों संग इस मंदिर में रह रही है, काफी दुविधा में ऐसा व्यतीत हो रहा है, आखिर बात क्या है, बताएगी? मृणालिनी श्रीमती को सारी कहानी बताती है और फिर, सुन मृणालिनी, मेरी पहचान में काम है। यहाँ से आगे जाकर समुन्दर वाले रास्ते पर एक बड़ी कोठी है, वहाँ अमीर लोग रहते हैं, वहाँ तुझे नौकरी मिल सकती है। ठीक है दीदी, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अरे चिंता ना कर, अब फिलहाल के लिए तू मेरे घर चल, और जब तक तू अपने लिए छत नहीं बना लेती तब तक तू मेरे घर पर ही रह। ठीक है, बहुत बहुत उपकार श्रीमती दीदी। मृणालिनी अपनी पांचों बेटियों संग श्रीमती के घर रहने लगी है। मृणालिनी को बड़ी कोठी में काम भी मिल जाता है। वो दिन भर अपनी नन्ही छोटी बेटी की देखभाल करने के साथ साथ वहाँ साफ सफाई और खाना बनाना और अन्य काम करती और फिर रात में घर लौटती। कैसा रहा आज का दिन मृणालिनी? बहुत ही अच्छा। मैंने सुना था मुंबई के बड़े लोग काफी अकड़ू और घमंडी होते हैं, लेकिन मेरी सेठानी और सेठ जी दोनों भी बहुत नेक दिल वाले हैं। बहुत खूब। और मेरी बेटियों, क्या कर रही हो तुम सब? तुम्हें पता है ना, कल हम स्कूल में जाने वाले हैं एडमिशन कराने। ये! ये! मृणालिनी अगली सुबह अपनी चारों बेटियों संग स्कूल में जाती है और उनका प्रवेश कराती है। छोटी बेटी जिसका नाम इशिता रखा जाता है वो भी बड़ी हो जाती है। प्रीति दीदी, वीना दीदी, दिव्या दीदी, अंकुरी दीदी, आप सबको आज अपनी छोटी बहन को पार्क में घुमाने ले जाना होगा, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। सब कुछ फिर से पटरी पे आने लगता है, मानो खुशी ने फिर से मृणालिनी और उसकी पांच बेटियों के जीवन में दस्तक दी है। उसकी एक बेटी अभिनेत्री बन जाती है, एक बेटी दिव्या एक सम्मानित पुलिस अधिकारी बनती है और प्रीति एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है और इशिता भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है और उसे एक गायिका बनना होता है, तो वो जी तोड़ मेहनत करके अपनी मेहनत में लग जाती है। पांचों बेटी अपने जीवन में खूब तरक्की कर रही होती है, लेकिन अचानक से शहर में बाढ़ आ जाती है और उस तूफानी सैलाब में पांचों बेटियां अपनी मां मृणालिनी से बिछड़ जाती हैं। बचाओ, 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 बचाओ। मेरी बच्चियों, पंखुड़ी, इशिता, प्रीति, दिव्या, रीना। किस्मत उन पांचों को अपनी मां से अलग कर देती है। मृणालिनी तूफान में बहकर दूसरे गांव पहुंच जाती है। पांचों बेटियां अपनी माँ को हर जगह ढूंढती हैं, लेकिन उनको वो कहीं नहीं मिलती, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय और शिविर में भी नहीं। हमारी माँ कहाँ गई होंगी?
पता नहीं, भगवान करे माँ जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। माँ माँ रो मत ईशु, हम है ना, हम पांचों मिलकर हमारी माँ को ढूंढेंगे। पांचों बेटी अपनी माँ को ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। समय बीत जाता है और पांचों बेटियों को लगता है कि उनकी माँ मर चुकी है। वही मृणालिनी को भी यही लगता है कि उसने अपनी पांचों बेटियों को खो दिया है। वो अब एक ढाबे पर काम करने लगती है और अकेले रहती है। मेरी बेटियां, काश वो तूफान हमारी जिंदगी में नहीं आता। 2 साल बाद रीना अपनी फिल्म का प्रचार करने एक गांव में आती है, जहां मृणालिनी भी रहती है। उस सैलाब के बाद मृणालिनी इसी गांव में आकर रहने लगी थी। रीना से मिलने बहुत ज्यादा भीड़ इस गांव में इकट्ठा हो जाती है। अरे किसको, जरा साइड में, मुझे भी देखना है कौन सी हीरोइन आई है। हाँ हाँ, चलो चलो हम सब देखते हैं। मीना जी, आप कहाँ जा रही हैं? कोई नेता आया है क्या? नेता नहीं, एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार आई है। अब हमारे गांव में तो कोई टीवी या अखबार नहीं है, तो हम उसका नाम नहीं जानते हैं। फिर भी फ्री फंड में देखने में क्या गुना है। मृणालिनी भी उन औरतों संग आगे जाती है और अपनी बेटी रीना को देख हैरान और दंग रह जाती है। माँ, रीना। रीना और मृणालिनी दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती हैं और पूरा गांव ये दृश्य देखकर चकित हो जाता है। रीना मृणालिनी को फिर से मुंबई ले जाती है और इस तरह पांचों बेटियां अपनी माँ को फिर से मिल जाती हैं। आपको पता है माँ, हमने आपको कितना मिस किया। हमें तो लगा कि आप नहीं रही। आपको पता है मैं अपनी कंपनी की CEO बन गई हूँ, और माँ मैं भी मेरा अस्पताल खोल रही हूँ। अब आप मिल गई हो तो आप ही मेरे अस्पताल का उद्घाटन करना, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरे भगवान, सब कुछ आप ही हो। मुझे भी कमिश्नर की पोस्ट मिल गई है माँ। सबको जब ये बात पता चलेगी कि आप जिंदा हो और आप हम सबको फिर से मिल चली हो, तब सारा पुलिस स्टेशन खुश हो जाएगा। और एक और बड़ी खुशखबरी है, मेरी पहली फिल्म में इशिता सारे गानों को गाने वाली है। हुर्रे! सच में आज मुझे अपनी पांचों बेटियों पर बहुत गर्व हो रहा है। तुम्हारे पापा ने, दादी और दादू ने तुम्हें नकारा था क्योंकि तुम बेटी थी और उन्हें बेटे ही चाहिए थे। ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। पांचों बेटियां खूब तरक्की करती हैं और जब रीना की फिल्म रिलीज होती है, तभी गरीब परिवार का इंटरव्यू लिया जाता है और उसे टीवी में देख प्रेमलाल, बरखा और गोपी चंद को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।